हाय फ्रेंड, जय हिंद और वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये वीडियो है जो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी जेई की, यूपी ट्रिपल एससी की, मींस सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए वीडियो है। और ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एसएससी जेई में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं बिल्डिंग मटेरियल से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं ये सब एमसीक्यू बुक्स से लिए हैं, जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इट मीन्स जो 5 से 6 बार एग्जाम्स में आ चुके हैं वो क्वेश्चन का मैंने कंटेंट बनाया है, कलेक्शन है, आप देखिएगा। और ये एक रिवीजन वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जिप्सम क्या होता है? तो जिप्सम है एक केमिकली प्रेसिपिएटेड सेडिमेंटरी रॉक। तो जिप्सम की बात करते हैं, तो अब स्टोन्स की भी कुछ बात कर लेते हैं। तो स्टोन्स का क्लासिफिकेशन, तो स्टोन के टोटल 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो अब जियोलॉजिकल में भी 3 टाइप्स होते हैं, इग्नस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इग्नस रॉक्स में भी 3 टाइप्स होते हैं, जैसे प्लूटोनिक रॉक हो गया, हाइपरवेसल रॉक हो गया, वॉल्केनिक रॉक। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स पूछ लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछ लेगा प्लूटोनिक रॉक का एग्जांपल, तो वो होता है ग्रेनाइट। अगर पूछ ले हाइपरवेसल रॉक का एग्जांपल, तो हो गया डोलराइट। और वॉल्केनिक रॉक का पूछ दिया तो वो हो गया बसाल्ट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंटरी रॉक चेंज फ्रॉम कॉटाइज बाई मेटामॉर्फिक एक्शन। तो जो कॉटाइज से मेटामॉर्फिक एक्शन में जो चेंज होता है, तो वो होता है हमारा सैंडस्टोन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसमें जो स्लैट और कॉटाजाइट होता है वो रिप्रेजेंट करता है मेटामॉर्फिक रॉक्स को। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉटाजाइट क्या होता है? तो कॉटाजाइट एक सिलिसियस रॉक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल? तो कॉटाज क्या होता है हमारा? कॉटाज मिनरल होता है। ओके, नेक्स्ट, स्लेट इज फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिक एक्शन ऑफ। तो स्लेट जो फॉर्म होता है सेल के मेटामॉर्फिक एक्शन से फॉर्म होता है। ठीक है, और सैंडस्टोन क्या होता है? सैंडस्टोन एक सेडिमेंटरी रॉक है, एक्वस रॉक्स है, और सिलिसियस रॉक है। मींस ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रॉक्स? तो आपको पता है जिप्सम क्या है? जिप्सम एक रॉक है। ठीक है, बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स एंड मिनरल्स आर द करेक्ट स्टेटमेंट? तो कॉटाज, स्लेट, बसॉल्ट, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम, माइका। तो इसमें आपको बता दें, जो कॉटाज और माइका होता है, कॉटाज और माइका क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। ठीक है, हैवी स्टोन इज सुटेबल फॉर रिटेनिंग वॉल। जो हैवी स्टोन है वो सुटेबल होता है रिटेनिंग वॉल के लिए। ठीक है, अ स्टोन सुटेबल फॉर रबल मशीनरी शुड बी हार्ड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स हैज द मोस्ट वेदरिंग रेसिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक? तो ये होता है हमारा कॉटाजाइट। अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 5%। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर फायर रेसिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक? तो कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन। ओके, जंपर इज अ टूल विच इज यूज फॉर क्वेरिंग ऑफ स्टोन। 16 क्वेश्चन ये है, द इम्पॉर्टेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन अ स्टोन यूज इन डॉक एंड हार्बर। तो ये डॉक ऑन हार्बर में यूज होता है, वो होता है वेट टेस्ट। तो अब आपको इससे कुछ रिलेटेड बता दें, जैसे टफनेस टेस्ट किसके लिए होता है? टफनेस टेस्ट होता है इम्पैक्ट के लिए। ठीक है, टफनेस टेस्ट हो गया इम्पैक्ट के लिए। ओके, और अब वर्कबिलिटी दिया है तो थोड़ा डिटेल में बता दें। पहले वर्कबिलिटी होता क्या है? वर्कबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है किसकी? कंक्रीट की, बाय वर्चू ऑफ विच जिससे हम वर्क क्या कर सकते हैं कंक्रीट के साथ? कंक्रीट को इजीली मिक्स कर सकते हैं, कंक्रीट को इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कंक्रीट को इजीली प्लेस करके उसको फिनिश कर देते हैं, वो होता है। मतलब कंक्रीट के साथ हम कितनी आसानी से काम कर सकते हैं, वही होती है वर्कबिलिटी। तो वर्कबिलिटी के कुछ टेस्ट भी होते हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है स्लम टेस्ट, जो कि बहुत ही कॉमन टेस्ट है। ठीक है, और होता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, वीबी कंसिस्टी मीटर टेस्ट, फ्लो टेबल टेस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट हो गए। ओके, तो नेक्स्ट है, ग्रेनाइट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पज बिकॉज, क्योंकि ग्रेनाइट बहुत ही कॉस्टली होता है इसलिए हम इसका यूज नहीं कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज बेस्ट सुटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर एंड अबॉर्डमेंट ऑफ द रेलवे ब्रिज? तो रेलवे ब्रिज के पिलर और अबॉर्डमेंट में जो स्टोन का हम सबसे बेस्ट यूज करते हैं वो होता है हमारा ग्रेनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ स्टोन टू ऑप्टेन द प्लेन एज और ऑप्टेन स्टोन ऑन रिक्वायर्ड शेप एंड साइज।
तो ये होता है हमारा ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन 100 MPa। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन शुड बी लाइज बिटवीन, जो मोस्टली बिल्डिंग स्टोन होते हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से 3.0 के बीच में लाई करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, सैपलिंग ऑफ हैमर इज यूज फॉर रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्रॉस कट सॉ इज यूज फॉर, तो क्रॉस कट सॉ का यूज किया जाता है कटिंग ऑफ हार्ड स्टोन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, सैपवुड, तो सैपवुड क्या होता है, सैपवुड कंसिस्ट ऑफ पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब सैपवुड की बात कर रहे हैं तो थोड़ा आपको वुड के बारे में बता दें, जैसे कि अगर वुड की बात कर रहे हैं तो मतलब स्ट्रक्चर ऑफ ट्री, तो जो सबसे अंदर होता है वाला पार्ट है, जो सबसे डार्क पोर्शन होता है वुड का, वो पिथ होता है जिसको मेडुला भी कहते हैं। उसके बाद होता है आपका हार्डवुड जो पिथ को सराउंड करता है, हार्डवुड को सराउंड करता है उसको कहते हैं सैपवुड। सैपवुड मतलब जो लाइट इन कलर होता है, और सैपवुड का वर्क क्या होता है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा कैम्बियम लेयर, ठीक है, और कैम्बियम लेयर के बाद होता है इनर बार्क आउटर बार्क, और सबको जो कवर किया रहता है वो होता है मेडुलरी रे। ठीक है, कैम्बियम लेयर का क्या काम होता है ये देख लीजिए, कैम्बियम लेयर का काम होता है कि सैप को सैपवुड में कन्वर्ट करता है, और मेडुलरी रेज का क्या काम होता है, मेडुलरी रेज का ये काम होता है कि वो हार्डवुड और सैपवुड को होल्ड करके रखती है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्री समझ गए होंगे, तो ट्री के स्ट्रक्चर में तीन स्ट्रक्चर होते हैं मेनली, आपको पता है रूट, ट्रंक और क्राउन। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द ट्री आइल्ड हार्डवुड, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीसम होता है ये। द रेडियल स्प्लिट विच आर वाइडर ऑन द आउटर ऑफ द लॉक एंड नैरोवर टुवर्ड द पिथ इज नोन एज, सिंपल क्वेश्चन, स्टार सेक। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्री आइल्ड सॉफ्टवुड, सो सॉफ्टवुड होता है चीर और देवदार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर इज सुटेबल फॉर स्पोर्ट्स गुड, तो स्पोर्ट्स गुड्स के लिए जो टिम्बर यूज किया जाता है वो होता है मलबरी हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज ऑफ ड्राई रूट ऑफ टिम्बर इज कॉज्ड बाई लैक ऑफ वेंटिलेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट, प्लाईवुड हैज द एडवांटेज ऑफ, तो प्लाईवुड का जो एडवांटेज होता है, हैज द सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर मैक्सिमम होता है पैरेलल टू ग्रेन्स। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ वेल सीजन टिम्बर, जो वेल सीजन टिम्बर का मॉइस्चर कंटेंट होता है वो होता है 10 से 12%। ओके, द ट्रंक ऑफ ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल द ब्रांचेज इज नोन एज, तो उसको कहते हैं हम लॉग। द एज ऑफ ट्री कैन बी एग्जामिन, जो एज ऑफ ट्री को एग्जामिन कर सकते हैं हम एनुअलर रिंग की हेल्प से। ठीक है, प्लाईवुड इज मेड बाई बॉन्डिंग टूगेदर थिन लेयर ऑफ वुड इन सच अ वे दैट एंगल बिटवीन ग्रेन्स ऑफ एनी लेयर ग्रेन टू एडजेसेंट लेयर वो होता है उसके 90 डिग्री पे। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्लाईवुड हैज द ग्रेटर इंपैक्ट रेसिस्टेंस टू ब्लो देन ऑर्डिनरी वुड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो प्लाईवुड होता है उसके पास ग्रेटर इंपैक्ट रेसिस्टेंस होता है टू ब्लो देन ऑर्डिनरी वुड के कंपेयर में। द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट अचीव्ड बाई एवर ड्राइंग टिम्बर इज 15%, सिंपल। फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज एन एवरेज लाइफ ऑफ 10 साल से ज्यादा होता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक कैन इमर्ज इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर, शुड नॉट वाटर मोर देन, अगर एक फर्स्ट क्लास की ब्रिक है उसको 24 घंटे तक वाटर के अंदर एब्जॉर्ब करके रखें तो किससे ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक 20% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। सेकंड क्लास ब्रिक है तो 22% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, और यही अगर थर्ड क्लास ब्रिक है तो 25% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ओके, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ 10.5 Nm² से कम नहीं होना चाहिए। सेकंड क्लास ब्रिक का 7 Nm² से कम नहीं होना चाहिए, और थर्ड क्लास ब्रिक का 3.5 Nm² से कम नहीं होना चाहिए। द मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन अ ब्रिक अर्थ, जो एल्यूमिना का मेन फंक्शन क्या होता है, टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन अ गुड अर्थ
किसके बीच में होता है, जो एलुमिना की परसेंटेज होती है 20 से 30% होती है, ठीक है। और यही पूछ ले कि अगर एलुमिना की अधिकता हो जाए, मीन्स एक्सेस हो जाए एलुमिना की, तो वो क्या करेगा, उस फिर क्रैक्स आ जाएंगे, क्रैक्स एंड वार्प ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉमिनल साइज ऑफ मॉर्टर बिक। नॉमिनल साइज ऑफ मॉर्टर बिक मतलब इंक्लूडिंग मोर्टार पूछ रहा है हमसे, तो इंक्लूडिंग मोर्टार होता है 200 mm × 100 mm × 100 mm, ऑप्शन सी इज करेक्ट। परसेंटेज ऑफ सिलिका इन ए गुड ब्रिक अर्थ, तो गुड ब्रिक अर्थ के अंदर जो सिलिका की परसेंटेज होती है 50 से 60% होती है। अगर सिलिका की अधिकता हो जाए तब क्या होगा, कोहेशन का लॉस हो जाएगा, ठीक है, लॉस ऑफ कोहेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ब्रिक्स अर्थ इनेबल्स द ब्रिक टू रिटेन शेप, तो उसको एक रिटेन शेप में रखने के लिए कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है, वो होता है भैया सिलिका, ओके, सिलिका रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ करेंट कॉम्बिनेशन यूजफुल और हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट बताने हैं। तो देखो ब्रिक अर्थ के अंदर जो सिलिका होता है वो होता है हमारा यूजफुल, और जो एल्कलीज होती है वो होता है हार्मफुल, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक्स इज नोन एज, तो उसको कहते हैं क्रेडिंग, ठीक है, ओके, थैंक यू, प्लीज गिव्स अवर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स, थैंक यू।